Hello and welcome, friends. Today we are going to learn about command line argument on Java. Command line argument पर कैसे हम कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं और कैसे उस पर रन करेगा, यही बात करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। सबसे पहले क्या, ये यहाँ से हम नोट पैड ओपन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नोट पैड। तो यहाँ से नोट पैड को ओपन कर लेते हैं हम, और इसी पर हमको अपना प्रोग्राम लिखना है। तो सबसे पहले चूंकि यूजर से इनपुट लेना है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। स्कैनर क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं, दैट्स वाई हम क्या लिखते हैं, स्कैनर लिखते हैं। स्कैनर लिखने के बाद इसको हम टर्मिनेट कर देंगे और एक क्लास बना लेंगे, ठीक है। तो क्लास यहां बनाते हैं, ये क्लास बनाना जरूरी है। तो यहां लिखता हूं मैं क्लास, और जिस भी नाम से आप क्लास बनाना चाहते हैं उसी नाम से आप प्रोग्राम को सेव कीजिएगा। जैसे मैं लिखता हूं क्रॉस, क्रॉस नाम से मैं क्लास बना रहा हूं, ठीक है। तो इसी नाम से हमें क्या बनाना होगा, इसी नाम से हमें फाइल को भी सेव करना होगा। तो ये क्लास हमने बना लिया, कर्ली ब्रैकेट लगा लिया। अब यहां पर हमको लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो यहां मेन फंक्शन हमने बना लिया, अब इसमें स्ट्रिंग पास कर देते हैं, स्ट्रिंग। मैं यहां पर कर्ली ब्रैकेट लगाना है, तो एंटर प्रेस करके यहां पे कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं। आपको यहां पर कोई भी सेमीकोलन नहीं देना है। अब यहां पर हम वेरिएबल ले लेते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी, जो भी लेना है। चूंकि हम मल्टीप्लीकेशन कराना चाहते हैं, तो उसके लिए वेरिएबल हमने ए बी और सी लिया है। पहले में पहली वैल्यू आ जाएगी, दूसरे में दूसरी वैल्यू आ जाएगी, और तीसरे वेरिएबल में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी प्रोडक्ट स्टोर हो जाएगा। तो अब यहां पर लिखता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। मैं यहां पे ln लिख रहा हूं। अब ये ln क्यों लिखते हैं, ये फिर किसी और वीडियो में हम समझेंगे। यूजर को क्या मैसेज दिखाई पड़ेगा, एंटर एनी टू नंबर्स, ठीक है, नंबर्स, ओके, क्लोज करेंगे, टर्मिनेट करेंगे। अब टर्मिनेशन देने के बाद आपको क्या करना है, एक एक को अब हम यहां पे लिखेंगे स्कैनर एस सी, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू, और यहां पे देंगे, देखिए जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो कैपिटल लेटर्स स्मॉल लेटर्स का खास ख्याल रखिएगा। जो आप सिस्टम लिख रहे हैं, सिस्टम का एस कैपिटल होना चाहिए, स्कैनर का एस कैपिटल होना चाहिए, यह बात आपको ध्यान देनी है। तो यहां पे हमने दे दिया स्कैनर, और यहां पे लिख देंगे ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन। इतना लिखने के बाद हमें क्या करना है, इसको टर्मिनेट करना है, टर्मिनेट कर दिया हमने। और यहां पर ए इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, तो इंट का आई कैपिटल होगा, यह भी बात आपको ध्यान देनी है। ये प्रोग्राम हम पूरा नोट पैड पर लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें कमांड लाइन आर्गुमेंट पर काम करना है, इसलिए मैं इसको नोट पैड पर लिख रहा हूं। अगर आप कमांड लाइन आर्गुमेंट पर काम करना चाहते हैं तो आप पहले पाथ सेट कर लें, यहां पर टर्मिनेट करेंगे इसे, और टर्मिनेट करने के बाद फिर दूसरे वेरिएबल को, तो बी इज इक्वल टू, और फिर यहां पर लिखेंगे एस सी डॉट नेक्स्ट और इंट का आई कैपिटल, तो इंट लिख देंगे यहां पे, और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और एंटर प्रेस करेंगे। फिर यहां पर डिफाइन करेंगे अब कि हम करना क्या चाहते हैं, तो सी इज इक्वल टू, यानी सी में स्टोर कराना चाहते हैं ए इंटू बी का जो आंसर आएगा वो सी में हम स्टोर कराना चाहते हैं, दैट्स वाई हमने क्या लिखा है ए इंटू बी, C is equal to A into B। अब हमको अपना रिजल्ट प्रिंट कराना है, हमारा सारा काम हो चुका है, तो यहां पर लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहां पर हम क्या दे देंगे, कुछ भी दे सकते हैं, जैसे यहां पर मैं दे देता हूं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज, तो इतना हमने लिख दिया। अब ये लिखा हुआ दिखेगा आपको, जो भी आंसर आएगा ये लिखा हुआ ये भी आएगा। यहां पे डबल इंटेड कॉमा को क्लोज कर दीजिए जो आपने ओपन किया था, और अब प्लस का निशान लगाइए और लिख दीजिए सी, क्योंकि सी में तो सी नहीं लिखना, यहां प्लस सी लिखना है। और अब इसको सेव कर देता हूं एक बार, और यहां से हमें क्या करना है, इसको कंपाइल करवाना है, तो यहां पर टाइप कीजिए सीएमडी, और आपको बता दूं कि CMD जो है कीवर्ड होता है कमांड प्रॉम्प्ट का, जैसे इंटर करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। CD लिखेंगे, चूंकि हमारी फाइल डेस्कटॉप पे सेव है,
तो हमें डेस्कटॉप पे जाना होगा। सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, और हम सीडी लिख करके गैप देकर के डेस्कटॉप लिखेंगे तो डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। अब यहीं पर हमारी फाइल है तो यहाँ लिखेंगे जावा सी। जावा सी क्यों लिखेंगे, क्योंकि जावा फाइल को हम कंपाइल करना चाहते हैं, तो जावा सी लिखा हमने, और हमारे फाइल का नाम है cross.java, एक्सटेंशन के साथ आपको लिखना है। एंटर प्रेस करेंगे तो अगर कोई एरर नहीं है तो हमारी फाइल कंपाइल हो गई, और यहाँ पर कोई एरर नहीं आया, यानी कंपाइल हो गई हमारी फाइल सक्सेसफुली। अब अपने फाइल का नाम देना है, नाम देने के पहले यहाँ लिखना है जावा, ठीक है, रन करवाना है इस प्रोग्राम को, और फिर हमारे फाइल का नाम क्या है क्रॉस, तो यहाँ पे विदाउट एक्सटेंशन लिखिएगा। एंटर प्रेस करिएगा तो यहाँ आ गया एंटर एनी टू नंबर, तो यहाँ हमने 56 लिखा, एंटर प्रेस किया, और फिर यहाँ लिख रहा हूँ 89। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे आ गया। अगर आप इस फाइल को दोबारा कंपाइल करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखिए जावा सी, ठीक है, और फिर यहाँ लिखिए cross.java, एंटर प्रेस कीजिए, फिर ये फाइल कंपाइल हो जाएगी, और फिर हमें यहाँ पे लिखना होगा जावा, गैप दीजिए, और अपने फाइल का नाम दीजिए क्रॉस, दे दिया। अब देखिए छोटे नंबर लेता हूँ 5, फिर लेता हूँ 7, तो 5 7 जा कितना होता है 35। तो दिस इज योर आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। आने वाले वीडियोस में और भी ज्यादा हम लोग इस तरह के प्रोग्राम देखेंगे, इवन फंक्शन वगैरह की भी चर्चा हम लोग करेंगे इसमें। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।